हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सानोटो। दोस्तों, काफ़ी टाइम से रॉयल इनफील्ड की कई सारे स्पाई इमेजेस सामने आई है, जिसके बारे में कई सारे डिटेल्स भी सामने आ चुकी है। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम रॉयल इनफील्ड की इस साल के सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि आपको इन बाइक में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिलने वाले हैं, बाइक में क्या क्या मैकेनिकल डिटेल्स फीचर्स रहने वाली है, कितने प्राइस टैग के साथ लॉन्च होगी और कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो वीडियो को जो है बिना स्केप किए अंत तक जरूर देखिए, ये आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्क्रैम 411 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे रिसेंटली ही डीलरशिप शोरूम्स में स्पॉट किया गया है और इसके लॉन्चिंग डेट भी कंफर्म हो चुकी है। 7 मार्च को आप ये बाइक लॉन्च होते हुए देखने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं बाइक के कुछ डिजाइन के बारे में। स्टार्ट करते हैं फ्रंट सेक्शन से, जहां आपको एक राउंड हेडलाइट दी गई है कास्ट आयरन से बनी ब्लैक हेडलाइट केसिंग के साथ, जो इसे एक अलग लुक देती है। और भी यहां आपको राउंड रियर व्यू मिरर्स और एक स्कल फ्यूल टैंक मिलने वाली है, जिसके नीचे अर्बन बेजिंग प्लेट में रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग भी दी गई है। अब बाइक के रियर सेक्शन को देख लेते हैं, जहां आपको साइड स्लंग एग्जॉस्ट दी गई है, जिसके कैनिस्टर एंड टर्न इंडिकेटर्स को अलग से डिजाइन किया गया है। इसके अलावा बाइक में आपको सिंगल पीस सीट का यूज़ देखने को मिलने वाला है, जिसके पीछे एक सिंगल पीस ग्रैब रेल का भी यूज़ किया गया है। ओवरऑल दोस्तों, स्क्रैम 411 हिमालयन का ही रोड बेस्ड मॉडल है, जिसे हिमालयन की सेम बॉडी ही दी गई है, कुछ एलिमेंट्स को बस रिप्लेस करके। जैसे लगेज रैक की जगह सिंगल ग्रैब रेल, जेरी कैन होल्डर्स की जगह अर्बन बेजिंग प्लेट और स्प्लिट सीट सेटअप की जगह एक सिंगल पीस सीट का यूज़ करके। लेकिन दोस्तों, इंजन एंड सस्पेंशन सेम हिमालयन जैसा ही दिया गया है, 411cc की सिंगल सिलेंडर SOHC इंजन। हालांकि रोड बेस्ड मॉडल होने के कारण इंजन की पावर और टॉर्क अलग होने वाली है। बाइक में सस्पेंशन का काम करने वाली है फ्रंट की तरफ टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक एंड रियर में मोनोसक सस्पेंशन, और ब्रेकिंग ड्यूटीज करने वाली है बोथ साइड सिंगल डिस्क ब्रेक अलॉन्ग विथ ड्यूल चैनल ABS। फाइनली दोस्तों, बाइक के प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस हिमालयन से काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होने वाली है, लगभग अंडर 2 लाख एक शोरूम। अब बात कर लेते हैं लिस्ट की नेक्स्ट बाइक हंटर के बारे में, जो एक रेट्रो लुकिंग स्कैम्बलर बाइक होने वाली है। और दोस्तों, इसे भी जो है रिसेंटली काफ़ी पास से स्पॉट किया गया है, जिससे बाइक के कुछ न्यू डिटेल्स सामने निकल कर आई है। जैसे कि बाइक के टेल सेक्शन में एक स्प्लिट ग्रैब रेल और शॉर्ट सर्कुलर फेंडर का यूज़ किया गया है, जिसके ऊपर ही आपको राउंड शेप में टेल लाइट और टर्न इंडिकेटर्स भी मिलने वाली है, जो बाइक के लुक को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बनाती है। और इस स्पोर्टी अपील को और भी ज़्यादा कम्प्लीमेंट करती है बाइक की फुल ब्लैकआउट थीम, जिसमें बाइक के मेन फ्रेम, इंजन, सस्पेंशन, लेग गार्ड और हैंडल बार्स को फुल ब्लैक कलर में कवर किया गया है। इसके अलावा रेट्रो थीम में बेस्ड होने के कारण कुछ कॉमन हाइलाइट्स तो अवेलेबल है ही, जैसे कि राउंड हेडलाइट, राउंड रियर व्यू मिरर और राउंड शेप में एक फ्यूल टैंक। साथ ही बाइक के रियर सेक्शन में आपको अपस्वीप मफलर के साथ शॉर्ट एग्जॉस्ट, रीडिजाइन साइड पैनल्स और फोर्क गेटर्स भी दिए गए हैं। हालांकि दोस्तों, मीटर कंसोल और इंजन ये दोनों ही आपको इसके सिबलिंग मीटियोर जैसा ही देखने को मिलने वाली है। एक तो है ट्विन पॉड वाली सेमी डिजिटल मीटर कंसोल, जिसमें आपको नेविगेशन, USB चार्जिंग, ब्लूटूथ कनेक्ट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे, और दूसरा 349cc की सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल इंजन, जो नॉर्मली 20.2 PS तक की पावर और 24 Nm तक का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है 5-speed ट्रांसमिशन के साथ। बाइक में सस्पेंशन का काम करने के लिए फ्रंट की तरफ 35 mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक और रियर में ट्विन गैस चार्जिंग शॉक एब्जॉर्बर का यूज़ किया जाने वाला है। तो फाइनली दोस्तों, अब बाइक के लॉन्चिंग डेट की बात की जाए तो ये आपको 2022 के जून से जुलाई के बीच ही लॉन्च होती हुई देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, ये तो सभी रॉयल इनफील्ड की 350cc सेगमेंट की बाइक हो गई। अब आते हैं रॉयल इनफील्ड की 650cc सेगमेंट की बाइकों की तरफ। इस नए प्लेटफॉर्म में रॉयल इनफील्ड बहुत ही जल्द 3 नई बाइकों को तैयार कर रही है लॉन्च के लिए, जिनकी टेस्टिंग अभी चल रही है। सबसे पहले बात करें सुपर मीटर 650 के बारे में, जो कि एक क्रूजर टाइप की मॉडल होने वाली है, लो व्हील बेस और क्लासिक रेट्रो स्टाइल के साथ, जिसमें आपको राइडिंग पोस्टर भी काफ़ी कंफर्टेबल मिलने वाली है इसकी लो सेट हैंडल बार्स और सेंटर सेट फुटपेक्स के कारण। रिसेंटली है दोस्तों, UK से सुपर मीटर की 3 स्पाई इमेजेस सामने आई है, जिससे बाइक के 3 अलग अलग सस्पेंशन क्लियरली देखा जा सकता है, ब्लैक, गोल्डन एंड सिल्वर, जिससे ये कहा जा सकता है कि सुपर मीटर में आपको वेरिएंट्स ऑफर किए जाएंगे। हालांकि इंडिया में अभी तक सिर्फ एक ही वेरिएंट को देखा गया है, जिसके फ्रंट में सस्पेंशन का काम करने के लिए USD फ्रंट फॉक और रियर में ट्विन गैस चार्जिंग शॉक एब्जॉर्बर का यूज़ किया गया है।
बाइक में पैरेलल ट्विन इंजन होने के कारण ड्यूल एग्जॉस्ट ऑफर की जाने वाली है, जिसके डिजाइन काफी अलग है और बाइक को पावर प्रोड्यूस कर रही है एक 648cc की पैरेलल ट्विन इंजन, जिसके पावर और टॉर्क के बारे में आपको लॉन्च के बाद ही पता चल पाएगी। फाइनली दोस्तों, बाइक के प्राइस और लॉन्चिंग डेट की बात की जाए तो ये बाइक आपको सितंबर से अक्टूबर के बीच लॉन्च होती हुई देखने को मिलने वाली है और इसका प्राइस 3.50 लाख के अराउंड ही रहेगी। लिस्ट की नेक्स्ट बाइक है सिंगल सीट मॉडर्न बॉबर बाइक SG650, जिसे कुछ दिन पहले ही टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। दोस्तों, कंपनी जो है इस बाइक को मॉडर्न क्लासिक थीम पे बेस करके बना रही है, जिसमें आपको कई सारे न्यू रेट्रो एलिमेंट्स देखने को मिल जाएगी, जैसे कि राउंडेड हेडलैम्प, टीयर ड्रॉप शेप में फ्यूल टैंक, सिंगल पीस सीट, क्रोम फिनिशिंग वाली ड्यूल एग्जॉस्ट और एक ब्रॉड रियर फेंडर। SG650 एक मॉडर्न बॉबर बाइक होने के कारण आपको बाइक में लो सेडल और इनवर्ट पुट वाइड हैंडल बार्स देखने को मिलने वाली है, जो बाइक को कंफर्टेबल राइडिंग में काफी मदद करेगी। इसके अलावा फीचर्स के मामले में भी ये बाइक काफी ज्यादा एडवांस होने वाली है, जिसमें आपको ऑल LED लाइटिंग सेटअप, USB चार्जिंग और एक सेमी डिजिटल मीटर कंसोल ऑफर किया जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्ट और ट्रिपल नेविगेशन जैसे सुविधाओं के साथ। हालांकि इसमें भी आपको वही सेम 648cc की पैरेलल ट्विन इंजन ही दी जाएगी, बट डिफरेंट कैटेगरी की बाइक होने के कारण आपको पावर और टॉर्क इसमें अलग ही देखने को मिलने वाली है। सो फाइनली दोस्तों, अब बाइक के लॉन्चिंग की बात की जाए तो ये बाइक आपको 2022 के लास्ट तक लॉन्च होती हुई देखने को मिलने वाली है और इसका प्राइस 4 लाख के अराउंड रहने वाली है। आज के हमारे लिस्ट की लास्ट बाइक है क्लासिक 650, जो कि एक मॉडर्न रोडस्टर मॉडल होने वाली है रेट्रो फील के साथ। साथ ही दोस्तों, इस बाइक को क्लासिक 350 का ही प्रीमियम और पावरफुल वर्जन कहा जा रहा है। पावरफुल क्योंकि इसमें आपको 350 की जगह 648cc की पैरेलल ट्विन इंजन यूज किया जाएगा, और प्रीमियम क्योंकि इसमें आपको सस्पेंशन का काम करने के लिए फ्रंट की तरफ यूएसबी फ्रंट फॉक और रियर में ट्विन गैस चार्जिंग शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलने वाली है। और फीचर्स के मामले में भी ये बाइक काफी ज्यादा प्रीमियम होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको ट्विन पॉड वाला सेमी डिजिटल मीटर कंसोल ऑफर किया जाएगा, जिसमें आपको नेविगेशन, USB चार्जिंग, ब्लूटूथ कनेक्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। दोस्तों, ये बाइक रेट्रो थीम कैरी करने के वजह से आपको इसमें कुछ कॉमन रेट्रो एलिमेंट्स भी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि राउंड हेडलाइट, राउंड रियर व्यू मिरर और टीयर ड्रॉप शेप में एक फ्यूल टैंक। इसके अलावा भी दोस्तों, आपको जो है क्लासिक 650 में कुछ और हाइलाइट्स भी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि ब्रॉड फ्रंट एंड रियर फेंडर, ड्यूल एग्जॉस्ट पाइप एंड मफलर एंड लो स्लंग क्रूजर बाइक स्टेंस। रेट्रो फील के साथ साथ बाइक को एक स्पोर्टी अपील दे रही है बाइक की फुल ब्लैकआउट थीम, जिसमें बाइक के मेन फ्रेम, इंजन, सस्पेंशन, एग्जॉस्ट, लेग गार्ड और हैंडल बार्स को जो है फुल ब्लैक कलर में कवर किया गया है। फाइनली दोस्तों, बाइक के प्राइस और लॉन्च डेट की बात की जाए तो इसकी बस एक ही इमेज हम सभी को मिल पाई है, सो इसके लॉन्चिंग डेट और प्राइस के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।